मेट्रो टाइम न्यूज पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट नताशा रहमान। आज एक नई स्टोरी के साथ हम हाजिर हुए हैं। मेहनत में कोई आड़ नहीं होती, चाहे सिलाई कढ़ाई का काम कर लिया जाए या फिर स्कूल में पढ़ाया जाए, टीचिंग की जाए या फिर सड़क किनारे खड़े होकर बारबेक्यू का ठेला लगा लिया जाए, टी स्टॉल लगा लिया जाए। जिसने मेहनत करनी है वो मेहनत ही करेगा। और वो कहा जाए कि जिन लोगों को मांगने की आदत है वो मांगते हैं, लेकिन जिन लोगों को मेहनत करने की आदत है वो हमेशा मेहनत करते हैं। आज हम एक ऐसी स्टोरी के साथ हाजिर हुए हैं जिस स्टोरी में एक फनकारा जो कि सादिया शेख जिनका नाम है, उन्होंने कई साल थिएटर पर राज किया, अपनी परफॉर्मेंसेस दी, लोगों के दिल भी जीते और थिएटर पर उन्होंने अच्छा खासा राज किया है। लेकिन आज यहाँ पर इलाहाबाद बाग रोड पर एक बारबेक्यू का ठेला लगाया हुआ है इन्होंने, टी स्टॉल लगाया हुआ है साथ ही साथ, और मेहनत कर रही हैं। ऐसी क्या वजूहत थी कि वो थिएटर छोड़कर यहाँ पर मेहनत करने, सड़क किनारे ठेला लगाने के लिए आ गई और उन्होंने एक ठेला लगाया बारबेक्यू का? तो सादिया शेख से ही जानते हैं कि ऐसी क्या वजूहत हुई थी। तो आइए हमारे साथ। हमारे साथ सादिया शेख मौजूद हैं। इन्होंने कई ड्रामों में काम किया, बहुत बड़े बड़े फनकारों के साथ, आर्टिस्टों के साथ काम किया है। इन्हीं से जानते हैं इनकी ज़ुबानी क्या सारा हुआ था कि इनको ये ठेला लगाना पड़ गया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा क्या वजूहत हुई थी इतनी, आपका थिएटर में इतना नाम और फिर अब आप ठेला लगा के काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं? वजूहत तो आपको पता ही है क्या हुई है, हालात ही कुछ ऐसे हो गए तो थिएटर के हालात आपको पता है, अभी भी थिएटर बंद है, आर्टिस्ट भूखे मर रहे हैं, कोई किसी का एहसास ही नहीं करता। तो लॉकडाउन हुआ जब, तो जाहिर है घर भी किराए का है, जिम्मेदारियां हैं, वो तो अब करना ही था ना कुछ ना कुछ। तो कुछ थिएटर के माहौल को चेंज हो गया काफ़ी। पहले पूछते होते थे कि भाई मस्ताना साहब हैं, सोहेल साहब हैं, अपना अमान साहब हैं, इस तरह से आर्टिस्टों का पूछा जाता था। अब वो बात नहीं रह गई हुई ना थिएटर में। बहुत बड़े बड़े नामवर आर्टिस्टों के साथ आपने काम किया है, उन्होंने आपकी कोई माली मदद नहीं की या हुकूमत की जानिब से कुछ माली मदद नहीं की गई? नहीं जी, हुकूमत की तरफ से तो मुझे कोई माली मदद नहीं हुई। हाँ अलबत्ता मैं अपने आर्टिस्टों की बड़ी मशहूर हूँ, शुक्र गुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे हर बुरे वक्त पे मेरा साथ दिया, मेरे साथ खड़े हुए हैं और आज भी मैं आवाज़ देती हूँ तो मेरे साथ खड़े हो जाते हैं। जो भी होता है उनका, वो मेरे साथ तावुन करते हैं, मतलब कि ले आप सखी साहब को ले लें, मेघा जी, महानूर और अपना कैसर सुनाउल्ला साहब, और अल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे सहेल साहब को, वो मेरे साथ, उन्होंने मुझे बेटी बनाया हुआ है, मुझे कोई भी मसला होता है ना वो सबसे पहले मेरे पास आते हैं। अभी आपने यहाँ पर ठेला लगाया बारबेक्यू का, चाय भी आप सेल करती हैं, मुझे ये बताइएगा घर वालों की जानिब से कोई रिएक्शन आया हो? घर मेरे है ही कोई नहीं तो रिएक्शन किस चीज़ का आना? बहन भाइयों का किसी ने या कोई ख़ानदान में ताया चाचा होते ही है ना? मेरे फैमिली में सब इंतकाल कर गए हुए हैं, ताया चाचा, अब अल्लाह ज़िंदगी दे, एक चची है, एक मामी है और एक अपना ताई है, आगे उनकी औलादें हैं, वो अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं। तो मैंने किसी से मतलब के कहा भी नहीं कि मैं ये कर रही हूँ, मैंने अपने, मेरे दिमाग में आया कि मैं ये कर लूँ तो बेहतर है, और भी काम बहुत से हैं
लेकिन और कामों में भी पैसा लगता है, हर चीज़ में आपको पता है पैसे लगते हैं। बिल्कुल, पैसे के बगैर तो कोई कारोबार शुरू नहीं हो सकता। हाँ जी, तो ये सब मेरे आर्टिस्टों की मेहरबानी है जिन्होंने मुझे साथ तावन किया, प्रोड्यूसर सखी साहब, कैसर सुनावला साहब, अपना इन्होंने मेरे साथ तावन किया तो मैं ये यहाँ तक आ गई। ठीक है, अभी मुझे बताइएगा इतनी सेल हो जाती है कि घर का सर्कल चल सके? नहीं, अभी तो फिलहाल हाल ही में मेरे साथ एक ट्रेजडी हुई थी, वो मैंने जो शॉप ली हुई थी रेंट पे, वो उसकी दुकान की छत को नाजुक थी, पता नहीं था उन्होंने ऊपर से वो की हुई थी, उन्होंने पैलिंग की हुई थी छत की, तो वो पता नहीं था कि ऊपर छत ख़राब है। तो एक दिन वो मेरा मुलाजिम सोया हुआ था दोपहर के टाइम, तो उसके ऊपर छत का बीम गिरा, तो बेचारा मौके पे ही फोत हो गया। तो उसके बाद फिर इधर ये कार्गो वाले हैं, इन्होंने मेरे साथ बड़ा तावन किया, ग्रेस कार्गो। अभी आपने इनकी दुकान के आगे कार्गो और जो सामान लेके जाते हैं इनकी दुकान के आगे आपने अपना ठेला लगाया हुआ है, तो क्या इनकी जानिब से कोऑपरेट किया जा रहा है? जी, इन्होंने मेरे साथ ग्रेस कार्गो वालों ने और ये दूसरी दो कार्गो वाले हैं, ये दूसरा उस तरफ है जहाँ मैंने सामान रखा हुआ है, इन लोगों ने मुझे बड़ा अच्छा तावन दिया, मुझे बहन कहते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। कि लोग आते जाते ख़वातीन पे आवाज़ें कसते हैं, वो काम कर रही होती हैं, जहाँ भी काम कर रही हूँ उन पर आवाज़ें कसी जाती हैं, तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं? ये मेरे अल्लाह का मुझ पर कोई ख़ास करम है कि अगर मैंने फील्ड में काम किया ना तो 100% अगर काम लोग कर रहे थे ना तो 99% मुझे बहन बाजी कहते थे, बहन बेटा। और अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना आने जाने वाले जो मोहल्लेदार जो हैं वो मुझे पुप्पो के नाम से पुकारते हैं। पुप्पो, मुझे इतनी खुशी होती है कि एक आर्टिस्ट को इतनी इज्जत मिली है। हाँ, अगर आर्टिस्ट मेहनत करना चाहे तो उसको अल्लाह भी इज्जत देता है और इंसान भी इज्जत देता है। हाँ जी, तुसे किधर आए हो? मैं इधर आई हूँ, इधर सारे अंदर हैं। क्या काम का क्या सारा मामला है, कोई आपको प्रोड्यूसर या किसी की जानिब से बुलाया नहीं जाता कि काम है? क्योंकि आपने अपना नाम रखा हुआ है अपनी फील्ड में, आपका बहुत बड़ा नाम था जब आप यंग होती थी, और अभी अगर काम के लिए बुलाया जाता है तो आप जाएंगी दोबारा से? देखिए जी, अभी तो मैं अब अपना काम स्टैंड कर रही हूँ, अभी तो फिलहाल इस बारे में सोचा नहीं है मैंने। अभी तो आपको पता है लॉकडाउन लगा हुआ है, थिएटर फिर बंद है, सारे हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, तो कौन बुलाएगा? कोविड चल रहा है, सारा बंद है, लेकिन हाँ। जब खुल जाएगा, अगर आपको कहा जाता है काम की तरफ दोबारा से आने के लिए, थिएटर में काम करने के लिए, तो क्या कहेंगी? वही तो मैं कह रही हूँ, उसके बारे में अभी सोचा नहीं, देखेंगे जब कभी कोई ऑफर आई या कोई, अभी तो मैंने अपना काम शुरू कर लिया हुआ है, शुक्र है उसकी ज़ात का। अभी ओपन एयर आप बैठी हुई हैं, जब कभी मौसम ख़राब होता है, बारिश आ जाती है, तो कहाँ बैठती हैं फिर, क्या करती हैं? करना क्या है, इधर ही बड़ा सा छतरा लिया हुआ है, वो लगा लेती हूँ, तो वो उससे कवर करती हूँ। लेकिन मैं अपने अल्लाह की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने ये पूरा सीज़न जो बारिशों का होता है ना, तो मेरा टाइम निकलने के बाद ही बारिश हुई है, ये मेरे अल्लाह का करम है। तो पता नहीं मेरी कोई नेकी है जो मेरे काम आती है, मैं तो गुनहगार बंदी हूँ, ये अल्लाह का ही करम है मुझ पर। अच्छा, मतलब मेरा दोबारा से वही सवाल है कि थिएटर के लिए अगर काम के लिए बुलाया जाता है तो आप अब जाना पसंद करेंगी? क्योंकि कहा जाता है कि थिएटर की दुनिया में जो यंग होते हैं सिर्फ उन्हीं को बुलाया जाता है। ये बात तो आपकी ठीक है, जा रहे अब चढ़ते सूरज को सलाम। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप हो, आप भी शोबिज़ में हो, आपको भी एक वक्त आएगा, अल्लाह ना करे, एक वक्त आता है, आर्टिस्ट भी आता है, अगर आप इसी उम्र में अपने आप को संभाल लेंगी बच जाएंगी, वरना। अच्छा, जाहिर सी बात है थिएटर में थी आप और
कभी देखा होगा कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, आप देख ले, महमूद खान साहब जो अल्लाह को प्यारे हो गए, शौकी खान साहब, मस्ताना साहब, अमान साहब, ये सब आर्टिस्ट जिस तरह इनके हालात हुए हैं, बब्बू बराल साहब, कितने नाम थे इनके, लेकिन जितने नाम थे ना उतने दाम नहीं उनको मिले, उनकी मेडिसिन वगैरह ये वो सब। एक और बात, हुकूमत की तरफ से फंड्स जारी कर दिए जाते हैं लेकिन वो आर्टिस्टों को दिए नहीं जाते हैं। कहा जाता है कि हर साल बजट भी आता है, आर्टिस्टों के नाम पैसे भी मुख्तस किए जाते हैं, उनको मिलते नहीं हैं। बहुत सारे जो हमारे आर्टिस्ट हैं नाजरीन, वो भी हमें शिकवा करते दिखाई देते हैं कि उनके नाम के पैसे तो मुख्तस कर दिए गए हैं और कहा जा रहा है फंड्स दे दिए जाएंगे उनको, लेकिन दिया नहीं जाता नहीं। तो क्या सच है ये? हाँ जी, ये सच है। मैंने भी काफ़ी अर्सा काम, 25 साल 94 से मैंने काम किए है, शुरू किया था, तो आज तक कोई फंड नहीं मिला कि आर्टिस्टों का। मिलते हैं, मैंने एक जगह देखा भी है, और उन लोगों को मिलते हैं जिनको ज़रूरत नहीं है। वो ले जाते हैं, छोटे आर्टिस्ट को नहीं दिए जाते, आर्टिस्ट का हक मार देते हैं। मैंने नाम नहीं लेना चाहती उन लोगों का जिनको मैंने खुद प्रेस क्लब में चेक आए उनके, उनको दिए हैं, सिंगर हैं, सिंगरों में हैं, टॉप के सिंगर हैं। कभी कोई ऐसा वक्त आया हो कि घर कुछ खाने को ना हो, फिर आपने सोचा कि यार मैं खुद बाहर घर से निकलती हूँ कुछ करते हैं, क्योंकि थिएटर तो कोविड की वजह से बंद हो गया, सारा काम बंद हो गया, तो यही सोच के निकली थी तो ये काम शुरू किया ना। अच्छा, हुकूमत से अभी क्या अपील करना चाहेंगी? हुकूमत से मेरी यही अपील है कि वो थिएटर खोल दें, जितने भी बेचारे मेरे जैसी आर्टिस्ट हैं बेचारे का घर का सारा सिलसिला चलता है उसी के सर पे, तो उनसे रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, गरीब आदमी और क्या कर सकता है, ये थिएटर खोल दें। मतलब आप मुझे ये बताइएगा, आना जाना कैसे होता है? लोकल आती हैं या फिर कोई आपको छोड़ के जाता है यहाँ पे? नहीं जी, यहाँ पे वो चिंची चली हुई है ना जो, उस पर 10 रुपये देती हूँ, यहाँ आ जाती हूँ। और फिर रात को कितने बजे वापस जाती हैं? सुबह जाती हूँ मैं कोई फजर के टाइम पे। सारी रात आप यहीं होती हैं? हाँ जी, सारी रात 4 बजे आती हूँ और सुबह 4 बजे जाती हूँ। 12 घंटे ड्यूटी रहती हैं? जी ठीक है नाजरीन, 12 घंटे ड्यूटी रहती हैं और अपना और अपने घर वालों का पेट पालती हैं, और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ सादिया शेख साहिबा ने काम किया है, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से कोई माली इमदाद नहीं की जा रही, तो हुकूमत से यही अपील कर रही हैं कि जो ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी बात नहीं सुनी जाती, जिनको फंड्स नहीं दिए जाते, और उनका जो अंजाम है आखिर पर वो हमें बुरा दिखाई देता है, लेकिन सादिया शेख साहिबा ने एक हिम्मत पैदा की और ये दिखाया लोगों को कि आप घर से बाहर निकल कर काम कर सकती हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बाहिम्मत खातून हमारे सामने मिसाल हैं जो रात के टाइम भी यहाँ पर सारी रात यहाँ पर खड़े होकर काम करती हैं, मेहनत करती हैं और किसी से मांगती नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी से मांगती नहीं है, यहाँ पर खड़े होकर मेहनत करती हैं, अपना पेट पालती हैं, और फिर मेहनत करने के बाद सारी रात मेहनत करने के बाद वो घर चली जाती हैं। तो हुकूमत से यही अपील कर रही हैं कि इन जैसे आर्टिस्टों को भी कुछ दिया जाए ताकि उनकी माली इमदाद हो सके। नाजिन, स्टोरी आपने देखी, दोबारा से नई स्टोरी में हाजिर होंगे, हमें इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।